Hey guys, my name is Viren Singh. Welcome to the Smart Learning Academy. आप जुड़े हुए Smart Learning Academy के साथ, जहाँ पे मैं जुड़ा हूँ आज Teachers Day वाले दिन. So Teachers Day एक specific day होता है हर एक teachers के लिए. कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. तो इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ. और ये टीचर्स डे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है जो सिर्फ टीचिंग करते हैं. लाइफ में जो सबसे बड़ा टीचर मैं मानता हूँ वो लाइफ है. जिंदगी हमें उतना कुछ सिखा जाती है जितना हम शायद बुक में भी नहीं सीख पाते हैं. इसके अलावा कई सारे लोग हमारी लाइफ में टीचर की तरीके से रोल प्ले करते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स, जैसे हमारे फैमिली और हमारे कई सारे लोग जो भी हमारी लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं और कुछ ना कुछ एक लेसन देके चले जाते हैं. वो भी एक लर्निंग का पार्ट होता है. और जो भी हमें कोई एक लेसन का पार्ट सिखा जाता है, चाहे वो दोस्त, प्यार, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन कोई भी है, वो एक टीचर की तरीके से ही रोल प्ले करता है. तो मैं जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं जनरली आपको लाइफ साइंस टीच करता हूँ या बायोटेक्नोलॉजी टीच करता हूँ. ऑल्दो आई एम अ टीचर, बट लाइफ में उन सभी टीचर्स को मेरा सलाम है जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को कहीं ना कहीं लेसन दे रहे हैं, चाहे किसी फॉर्म में वो ब्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो LKG कक्षा से लेके बात करी जाए, चाहे वो डिफेंस में जो लर्निंग दी जा रही है अलग अलग तरीके से. तो टीचर हर जगह होते हैं और हर जगह उन्हें सलाम करना चाहिए. सो टीचर के ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा. पहले सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूं जितने भी टीचर्स हैं. आप भी कहीं ना कहीं एक टीचर का रोल प्ले करते हैं अपनी लाइफ में जो कि स्टूडेंट होते हैं. तो मैं स्टूडेंट भी हूं, मैं टीचर भी हूं, दोनों कंडीशन एक साथ मेरे साथ चलती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइज, जितने भी मेरे लर्नर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं. जो भी मैं आज हूँ वो आप ही के बदौलत हूँ और जो मेरे टीचर्स हैं उन्हीं की बदौलत हूँ. अगर आप लोग मेरे साथ मेरे सपोर्ट में नहीं रहते तो शायद मैं आज जो हूँ वो नहीं रह पाता. तो डेफिनेटली मैं अनअकैडमी पे भी टीच कर रहा हूँ, स्मार्ट लर्निंग अकेडमी पे भी आपके साथ कई सारे वीडियोस लेके आता रहता हूँ. अभी अनअकैडमी ने कुछ सरप्राइज भी दिया था. इसमें एक सरप्राइज अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे सरप्राइज रखा हुआ है जिन्होंने मेमेंटो शेयर किया था. इट इज वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये काफी ब्यूटीफुल गिफ्ट है. इसके अलावा कई सारे कहते हैं कि पेन थी, डायरी थी, ये सारी चीजें थी वहाँ पे. सो बहुत सारी चीजें जो उन्होंने शेयर किया वो सब यहाँ पे था. और वो डिस्कस कहते हैं कि हम वो गिफ्ट जो है वो रैप करने का मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता. मैं सिर्फ इतना बात करना चाहता हूँ आपसे कि जब भी आप लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ना सोचे. अगर कोई एक लर्नर होता है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक टीचर भी जन्म ले रहा होता है. वो टीचर सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए या सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी या कोचिंग्स में पढ़ाने के लिए नहीं होता. आपके अंदर भी एक टीचर है, आपके अंदर भी एक कला होता है. हर एक इंसान वो टीचर है जिसके अंदर कोई एक आर्ट है. अगर उस आर्ट को किसी के साथ आप एक्सप्रेस करते हो, बताते हो, शेयर करते हो, सिखाते हो तो वो टीचर ही कहलाता है. सो आप लोग भी अपने लाइफ में किसी ना किसी एक पर्सन को जरूर कुछ ना कुछ टीच करिएगा. दैट इज नॉट अबाउट कि हाँ वो आपको CSI या GATE करना है या कोई भी एग्जामिनेशन या कोई भी पढ़ाई की बात करनी है. कुछ भी एक अच्छा लेसन जरूर दीजिए क्योंकि लेसन इस वक्त मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है अपने चीजों से डाइवर्ट होते चले जा रहे हैं. गीता में भी ये बात कही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो. और उनमें एक अच्छी सी बात कही गई थी कि जो एक शिक्षक होता है या जो नॉर्मली गुरु होता है वो वही ज्ञान देता है कि पथ पे कैसे चलना है, मतलब रास्ता दिखाता है. जब अर्जुन जी ने पूछा था कि अगर आपको सब पता है, आपके पास इतना पावर है, तो आप महाभारत में खुद शस्त्र उठा के क्यों नहीं लड़ सकते, तो कृष्ण ने ही कहा था कि मैं एक गुरु हूँ और मेरा जो काम है सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाना है, बाकी चलना जो है वो आपका काम है. तो एग्जैक्टली लाइफ में आपके सामने अगर आप ये सोचो कि गुरु ही या जो भी आपका टीचर है वो सब कुछ आपके लिए कर दे और आप सिर्फ बैठे बैठे सारे फल की चिंता करो तो मिल जाए, ऐसा नहीं है. तो कर्म आप ही को करना पड़ेगा अगर फल आपको चाहिए. अगर कर्म कोई और करेगा तो फल उसे ही मिलेगा. सो डोंट डिपेंडेंट कि कर्म कोई और करे. यस यू कैन लाइक आप गाइडेंस ले सकते हैं किसी से, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मेहनत और आप कहते हैं एफर्ट, स्मार्टनेस, सब कुछ आपको अपने कर्म में लगाना पड़ेगा, अपने काम में लगाना पड़ेगा, तभी जो होगा सक्सेस आपके पास आएगा. सो इसी टीचर्स डे पे एक छोटी सी पोइट्री के साथ मैं कुछ पूरा सम अप करना चाहूंगा. छोटा सा पोइट्री है मेरा. सो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि पोइट्री आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था. तो कहते हैं कि अभी तो दिन बीता है जनाब, अभी रात तो होगी. अभी तो दिन बीता है जनाब, अभी रात तो होगी. माना कि मंजिल दूर है पर ये कभी साथ तो होगी. अभी तो दिन बीता है जनाब, अभी रात तो होगी. माना कि मंजिल दूर है पर ये कभी साथ तो होगी. क्या पता किस मोड़ पे मुलाकात हो जाए कामयाबी से.
क्या पता कि किस मोड़ पे मुलाकात हो जाए कामयाबी से, चलते रहिए धीरे धीरे मंजिल से मुलाकात तो होगी, चलते रहिए धीरे धीरे ही सही मंजिल से मुलाकात तो होगी। गुमनाम भले ही हो जाओ पर खामोशी से बात तो होगी, गुमनाम भले ही हो जाओ पर खामोशी से बात तो होगी, आसमां भी आएगा कदम चूमने एक दिन हालात तो होगी, आसमां भी आएगा कदम चूमने तेरा एक दिन ऐसी हालात तो होगी। ये तो दस्तूर है जिंदगी का हार और जीत का किस्सा, ये तो दस्तूर है जिंदगी का हार और जीत का किस्सा, जीत भी कदम चूमेगी तेरी एक दिन जीत की वो सौगात तो होगी, जीत भी कदम चूमेगी तेरी एक दिन वो जीत की सौगात भी होगी। खामोश भले ही हो जाऊं थोड़ी देर सही, खामोश भले ही हो जाऊं थोड़ी देर सही, कुछ करने की ख्यालात तो होगी, खामोश भले ही हो जाऊं थोड़ी दूर देर सही, कुछ करने की ख्यालात तो होगी, जवाब तो देना होगा, जवाब तो देना होगा जिंदगी के कुछ सवालात तो होगी, जिंदगी के कुछ सवालात तो होगी। सब्र रख जिद कर, सब्र रख जिद कर और लग जा तू अपने काम पर, सब्र रख जिद कर और लग जा तू अपने काम पर, मेरा वादा है तुझसे एक ना एक दिन तेरे ऊपर जीत की बरसात तो होगी, एक ना एक दिन तेरे ऊपर जीत की बरसात तो होगी। सो इसी पोएट्री के साथ मैं अलविदा कहता हूँ। वंस अगेन वेरी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप लोग अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा करें और कभी भी कोई जरूरत होती है तो मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करें, और अगर जब मैं जब तक हूँ तब तक मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, मेरी टीम भी आपके साथ हेल्प करती रहेगी। वंस अगेन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, टेक केयर, बाय बाय।